भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और पलायन की कहानी है। जिलाधिकारी अमरोहा में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त पर विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया भव्य आयोजन। सूचना विभाग अमरोहा द्वारा लगाई गई अभिलेखीय प्रदर्शनी का जिलाधिकारी ने किया फीता काट कर उद्घाटन। विभाजन का दर्द आज भी छिपता नहीं है, स्मृति आने पर आंसू छलक आते हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने कहा कि देश का दो टुकड़ों में बट जाने का दर्द लाखों परिवारों में एक गहरे जख्म की तरह घर कर गया है। खबर यूपी के जनपद अमरोहा से है, जहां आज शहीद स्मारक स्थल कलेक्ट्रेट अमरोहा में भारत विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने सूचना विभाग अमरोहा द्वारा लगाई गई अभिलेखीय प्रदर्शनी का फीता काट कर उद्घाटन किया और भ्रमण कर गंभीरता से अवलोकन किया। भारत विभाजन विभीषिका पर हिल्टन कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एवं लिटिल स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा विभाजन से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नुक्कड़ नाटक की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। जिलाधिकारी ने विभाजन विभीषिका दिवस पर संबोधित करते हुए कहा कि विभाजन शब्द ही बताता है कि ये पीड़ादायक होगा। एक परिवार के विभाजन होने पर लोग कितना परेशान हो जाते हैं, लोगों को पीड़ा होती है। ये तो देश का विभाजन था, भारत देश का विभाजन बहुत ही भयावह था। देश के विभाजन का जो निर्णय हुआ है वह बहुत कष्टप्रद था। रेडक्लिफ ने जो लाइन खींची थी उसने खून ही खून था। विभाजन का दर्द आज भी छिपता नहीं है, याद आने पर आंसू छलक आते हैं। उन्होंने बच्चों से आह्वान किया कि बच्चों आप सब विभाजन विभीषिका की पुस्तक पढ़ें, तब आपको ज्ञात होगा कि विभाजन से कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम सबको आपसी सौहार्द के साथ अपने देश के निर्माण के लिए आगे बढ़ना है और देश की तरक्की के साथ साथ इसकी रक्षा के लिए सतत समर्पित रहना है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने कहा कि विभाजन हमेशा आपसी लड़ाई से होता है। हम जाति, धर्म, रंग, रूप, क्षेत्र आदि के पीछे लड़ते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि कोई तीसरा व्यक्ति आकर हमारे बीच दरार उत्पन्न कर विभाजन कर देता है। उन्होंने कहा कि हमें विभाजनकारी शक्तियों से दूर रहना है और देश को एक अखंड राष्ट्र बनाना है। मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्र ने कहा कि भारत का विभाजन 14 अगस्त को हो गया। इसके ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी जिसमें लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा, पलायन करना पड़ा। भारत के विभाजन से हमारी विरासत का बंटवारा हो गया। इससे ये ज्ञात होता है कि एक छोटी सी घटना पर देश और समाज को कितना संघर्ष झेलना पड़ता है, देश कितना पीछे चला जाता है, विकास के रास्ते किस प्रकार बंद हो जाते हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक माया शंकर, उप निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद अमरोहा आदि सहित संबंधित अधिकारी और बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। रिपोर्ट डॉक्टर नरेंद्र सिंह।